Hey, imbibers! Hi, guys! Welcome to imbibe. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope all my biohankers are doing awesome. Yes, how are you all? Yes. चलो तो आज क्या है स्पेशल वॉर्डेज डायग्राम ऑफ द डे लेट्स लाइफ प्रोसेस अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन फॉर विच वी यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही ईजी डायग्राम है इसका बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बट स्टेप वाइज बनाएंगे सारे थ्योरीज रिवाइज हो जाएगी यहाँ पर बनाते बनाते जो लोग पहली बार आए हैं लाइव लेक्चर में तो हाई गाइज हेलो एवरीबडी हाई स्टूडेंट्स सो ऑल माय लाइव लेक्चरस का टाइमिंग मैं बता दूं 9th और NTSE ये तीनों के लाइव लेक्चरस जो हैं अलग-अलग प्लेटफार्म पे होते हैं जैसे आप MIB पर जो आओगे YouTube के तो सारे आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे इसी खुशी में एक लाइक like कर दो यस yes एवरीवन और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी बाद में शेयर कर देना जो आपके 9th के बायो के लेक्चरस होते हैं yes वो होते हैं मंडे को एंड ट्यूसडे को Uh, जो आपके टेंथ के लेक्चर्स होते हैं वो होते हैं वेनजडे को एंड थर्सडे को वेर एज जो एन होता है वो होता है एवरी फ्राइडे ना एन टी एस और टेंथ अल्टरनेट होता है जैसे एक हफ्ते नाइन्थ का टॉपिक लेंगे एक हफ्ते टेंथ का लेंगे और एन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विथ सम थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन ठीक है ये सब आपको जो है मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब शॉर्ट्स रेगुलरली अपलोड होता है आप लोग के इन्फॉर्मेशन को और आपके क्यूरियोसिटी को और डेवलप करने के लिए सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू वॉच दैट यूट्यूब शॉर्ट्स

one diagram a day you have to practice yes so let's start aaj ka diagram jo hai hamara human excretory system bahut hi simple diagram hai kuch points hain jo aapko note karne hain jaldi se apna notebook leke aa jaiye pencil yes aapke highlighters everything keep it ready start kare yes ab क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है हमारे human excretory system में क्या क्या चीजें आती है हमें पता है कि हमारे human excretory system में kidney है वो भी कितनी दो दो किडनी है और इन्हीं दो किडनी से निकलने वाले दो यूरेटर भी हैं ये दो यूरेटर मिलकर मिलकर जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं वो कितना है एक यस yes, एक यूरिनरी ब्लैडर है हमारे पास दो किडनी है दो यूरेटर हैं और यही यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा में एक है राइट right? यस yes. अब ये हमको पता है कि हमारी किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है अब उसको ब्लड मिलता कहां से है तो ये किडनी के पास भी आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन ये दोनों चीजें होते हैं रीनल आर्टरी, रीनल वेन रीनल वेन मैं नीचे लिख देती हूँ रीनल वेन ये सारी चीजें जो है हमारे किडनी हमारे पूरे एक्सक्रिटरी सिस्टम में प्रेजेंट होती है अब इसको बनाना कैसे मैम डायग्राम बनाते समय ना कभी एक चीज आगे पीछे हो जाती है थ्योरी समझ में सारी थ्योरी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक ना आपका डायग्राम कुछ ना कुछ तो मिस्टेक रह गई थीके? तो हमने ऐसा डायग्राम बनाना है कि एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारे डायग्राम में और वैसा ही पिक्चर परफेक्ट डायग्राम हमारा दिखना चाहिए यस yes. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे देखो मैं जिस फ्लो में बता रही हूं उसी फ्लो में बनाना ठीक है एक लाइट सा पेंसिल लेना टेक अ वेरी लाइट पेंसिल लाइट पेंसिल इन द सेंस या तो आप पेंसिल वही जो पेंसिल आपके पास उसी से आप एकदम हल्के हाथ से ड्रॉ कर देना यस yes, आपको डिसाइड कर लो ये मेरा पेज है इस पेज के सेंटर में मुझे बनाना है तो एक जो है आपने क्या बनाना है ऐसे लंबा सा रेक्टेंगल बनाना है यस yes, आपने इस तरीके से लंबा सा रेक्टेंगल बनाना है ठीक है और अच्छे से बना सकते हैं हम लोग बट कोई नहीं चलो मैंने ऐसे बना दिया लंबा सा रेक्टेंगल हमने बनाना है ओके okay. अब ये लंबे से रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा ना नीचे से अब ऐसे स्केल से मत मेजर करना कि कौन सा सेंटर है एप्रोक्सीमेटली ठीक है वो एप्रोक्सीमेटली सेंटर बनाते समय आप नीचे से चालू करना नीचे से ठीक है यहां पर आपने इसको डिवाइड कर लेना है क्या डिवाइड करोगे इसको आप यहां पर ये छोटा एक लाइन बनाओ एक इतना बड़ा लाइन बनाओ यस और फिर नीचे से यहाँ पे जितना आपने बनाया ना ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली इतना लाइन बनाओ ऐसा आपने जो है ये हमारे कबर्ड में जो रैक्स होता है ना वैसे बनाना है कितने लाइन आएंगे नीचे तीन एक एकदम छोटू वाला एक थोड़ा बड़ा और एक यहाँ पे मीडियम डन 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 अब देखो इसका सेंटर मुझे पता है यहाँ से है अप्रोक्सीमेटली तो अब मैं ड्रॉ कैसे करूंगी देखो मैं ऐसा क्यों बता रही बोलोगे मैम सिंपल सा तो डायग्राम है नहीं ऐसे बनाओगे ना इतना प्रोपोर्शनेट पिक्चर परफेक्ट जैसा एनसीआरटी में वैसा बनेगा ना डायग्राम कसम से देखना फ्लो फ्लो में जाओ ठीक है देखो यहां से आप पहले अपना यूरिनरी यूरेथ्रा बना लेना ओपनिंग नीचे से चालू करो डायग्राम यस यूरिनरी ब्लैडर बना लेना ऐसे पेयर शेप का ठीक है अरे अरे यस yes. ये हमने जो यहां पे एक ग्रीन लाइन बनाई थी ये ग्रीन लाइन के रेफरेंस में हमने क्या करना है यस yes, ये इधर ऐसे बनाना है और ये इसको ऐसे जॉइंट करना है ठीक है इस तरीके से हमने ज्वाइन करना है तो ये क्या हो गया ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर तैयार हो गया ठीक है यस ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर तैयार हो गया इसको प्योर शेप बनाओ रुको मेरा प्योर शेप क्यों नहीं बन रहा आज क्या हो गया यस परफेक्ट ओके ये इस तरीके से प्योर शेप बनाना है ना नाउ आई एम रियलाइजिंग ड्राइंग ऑन दिस थिंग पेपर इज सो इजी <laughs> चलो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर बन गया यूरेथ्रा भी हमारा रेडी है यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा एवरीथिंग इज रेडी अब क्या करना है अब इसको थोड़ा सा ब्रेक दो ठीक है अब ये पार्ट छोड़ दो अब ये वाला जो हिस्सा ना ये वाला हिस्सा अब ये वाले हिस्से में आप किडनी बनाओगे ठीक है ये वाले हिस्से में आप किडनी बनाओगे बनाओ थोड़ा डिस्टेंस यहां पे छोड़ना एक बीन शेप ऐसे बनाओगे ठीक है और दूसरा जो बीन शेप है दूसरा बीन शेप यहां से बनाओगे ठीक है दूसरा बीन छेद थोड़ा ऊपर से बनाओगे ठीक है थोड़ा ऊपर ये कैसे पता मुझे ये ऐसे पता होगा क्योंकि मेरा जो किडनी है यस yes, मेरा जो किडनी है उसका जो एक साइड वाला आपका लेफ्ट साइड वाला जो किडनी है वो थोड़ा ऊपर रहता है तो थोड़ा ऊपर आप बनाओगे पूरा एकदम ऊपर बनाने की जरूरत नहीं बट यहाँ पे एविडेंटली हो इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया ठीक है तो आप थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे रखोगे लेकिन किसको लेफ्ट साइड वाला जो है उसको थोड़ा ऊपर रखोगे गॉट इट यस इजी नाउ वॉट यू हैव टू डू नाउ यू विल हैव टू यहां पर एक किडनी हम बंद वाला दिखाएंगे यानी अखा किडनी दिखाएंगे और दूसरा किडनी हम आधा खुला हुआ दिखाएंगे ताकि किडनी के अंदर का भी स्ट्रक्चर हो बट वो हम एंड में करेंगे ब्लड वेसल्स यस तो यहां पर हमने दो ब्लड वेसल्स बनाने हैं एक आपका आएगा ब्लू वाला वेन और एक आएगा रेड वाला आर्टरी ये कैसे बनाओगे पहले कोई भी एक बना लो मैं पहले ब्लू वाला बना रही हूं डन पहले अगर मैंने ब्लू वाला डिसाइड किया है बनाने का तो ये इस तरीके से बन गया तो जो रेड वाला होगा ना उसका मैं सारे वेसल्स नहीं बनाऊंगी Yes ऐसे ऐसे इतना एविडेंटली नहीं बनाऊंगी व्हाट आई विल डू आई विल मेक वन ऐसे assuming कि ये मेरा ऐसे आ रहा है ठीक है ये पीछे चला गया छुप गया जो कि इधर से ऐसे दिख रहा है और ये ऐसे आ गया और ये इधर डन तो ये मेरा आर्टरी और वेन दोनों तैयार हो गया ठीक है और ये दोनों कहाँ एंट्री कर रहा है हाइलम में है ना हाइलम में और इसी हाइलम से निकलेगा हमारा यूरेटर अब आप यूरेटर बनाने के लिए आपके पास काफी जगह है बस ट्राई करना कि डायग्नली एंट्री मारे देखो ये सब बन जाता है ना उसके बाद आप यूरेटर बनाओगे तो नीटली बनेगा यस अब ये इसको आपने एकदम पतला सा बनाना है और डायग्नली एंट्री करवानी है देखो डायगनली एंट्री हो गई यूरेटर हमारा रेडी हो गया अब सब कुछ रेडी है यूरिनरी यूरेथ्रा यूरेटोस किडनी रीनल आर्टरी रीनल वेन सब रेडी है सिर्फ आपको इस किडनी के ऊपर देखो ये एक एक्स्ट्रा थ्योरी याद रखना है आपको हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड विच इज एक्चुअली नॉट हेल्प यहां पर आपको किडनी के ऊपर दिखता है तो ये आपका सुप्रा रीनल ग्लैंड जिसका दूसरा नाम क्या है ये आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताओगे यस वट इज द सुपरा रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम ये आप मुझे चैट सेक्शन में आप सब लोग बताओगे ठीक है सो दिस इज हाउ अब इसको अब इसको मुझे जो है दिखाना है कि किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है दिस इज ऑप्शनल हाँ तो ये ऑप्शनल कैसे बनाओगे इसके लिए आपको ये फ्लो याद रखना है यस yes, आपको फ्लो याद रखना है कैसे फ्लो याद रखोगे मुझे पता है कि मेरा जो है मेड्यूला रीजन होता है मेड्यूला किडनी का जो मेड्यूलर रीजन है उसमें प्रेजेंट है मेड्यूलरी टुगेदर टू फॉर्म माइनर कैलेक्स ये हमने सब थियोरी में पढ़ा है और अगर किसी ने थियोरी अटेंड नहीं किया तो प्लीज जाके लाइव लेक्चर अटेंड करो माइनर कैलेक्स ओपन होगा मेजर कैलेक्स में मेजर कैलिक्स बनाएगा रीनल पेल्विस है ना ये कैसा होता है ये फनल शेप्ड होता है और ये रीनल पेल्विस फिर हाइलम से होते हुए होगा यूरेटर में ये फ्लो आपने याद रखनी है अगर ये फ्लो आपको याद है तो ये बनाना तो एकदम बाय हाथ का खेल है कैसे बनाओगे रीनल मेड्यूला पहले आप यहाँ पे फनल शेप बना लो कि आप डिसाइड कर लो कि आपका फनल कैसे दिखने वाला है तो मेरा फनल ना ऐसा दिखेगा मैंने डिसाइड कर लिया ठीक है मेरा फनल ऐसा दिखेगा अब ये फनल में आप फर्दर क्या करोगे ऐसे यू यू बनाना देखो ये फनल है ना तो मेरे को यू यू बनाना है बस ऐसे यू यू बनाना और ये जो यू यू बना है ना उसके आगे इसको थोड़ा स्ट्रेच करके वापस यू यू बना लेना ठीक है ऐसे नहीं समझा देखो कैसे ये मेरा फनल है ठीक है मैंने यहां पे बस ऐसे बनाना है यू यू यू, -यू, -यू इट यस yes. अगर चाहिए तो यहां पे छोटे छोटे यू भी बना लेना ऐसे तो माइनर कैलेक्स भी बन जाएगा और फिर ये माइनर कैलेक्स को जोड़ जोड़ के इस तरीके से पिरामिड बना देना बस वही चीज यहां पे भी करनी है ये आ गए मेरे पिरामिड्स डन दैट्स इट अब इसको लेबल करना है यहां पे सुपरा रिनल ग्लैंड ये क्या है ये आप लोग मुझे बताओगे दिस इज माय लेफ्ट साइड का किडनी सॉरी राइट साइड का इसको जो है आप हाईलाइट करेंगे और इसकी थियोरी लिखेंगे कि ये थोड़ा लोअर साइड पे होता है ठीक है इसका मेजरमेंट लिखेंगे कि किस तरीके से ये जो है बारह से पंद्रह सेंटीमीटर का होता है ये सारे मेजरमेंट्स लिखेंगे यस yes, yeah, पर आप लिखेंगे दिस इज बट माय मेड्यूलरी पिरामिड वैसे ये जो अंदर का पार्ट है ये अंदर का पार्ट आप इसको बाकी किडनी वाले डायग्राम में ज्यादा अच्छे से लेबल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा जो हम लोग किसी और सेशन में करेंगे ठीक है यस व्हाट इज दिस दिस इज माय रीनल वेन वट इज रेड वाला दिस इज माई रीनल आर्टरी देखो थियोरी याद रखो रीनल वेन रीनल आर्टरी ब्लड ब्लड लेके आ रहा है किसके पास यहां पे रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रहा है तो लेके आ रहा है ना तो इसको अंदर की तरफ दिखाएंगे और इसको ऐसे एरो दिखाना है और ये लेके जा रहा है तो इसको ऐसे ठीक है तो ये क्या हो गया ये मेरा हाइलम है ये हाइलम से और क्या निकलता है यूरेटर निकलता है ये क्या है मेरा लेफ्ट किडनी है ये मेरा लेफ्ट किडनी है यूरेटर आ गया यूरेटर किधर ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर विल फाइनली एंड इट टू यूरेथ्रा Done. That's it. Yeah, आपका है्यूमन एक्सक्रिटरी सिस्टम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अलोंग विद्योरी the अब आप इसमें कुछ क्वेश्चन युरेत, है ये यूरेटर का फंक्शन क्या yes. है यहाँ से कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लाडर के पास लाना यस yes. फिर और क्वेश्चन है यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा मसल प्रेजेंट है जिसके वजह से ये स्ट्रेच होता है यस yes, उसका आंसर आप चार्ट सेक्शन में जल्दी से दे दीजिएगा ठीक है फिर यूरेथ्रा यूरेथ्रा मेल्स में अलग होता है मेल्स में इट इज लॉन्गर मेल्स में यूरेथ्रा लॉन्गर होता है और उसको हम कहते हैं यूरिनो जेनाइटल ट्रैक ये सारी थ्योरीज आपने डायग्राम के साथ अगल बगल पूरी लिखनी है अलोंग विद द लेबलिंग्स एंड व्हेन यू डू दैट देन यू विल अंडरस्टैंड कितना इजी है कि थ्योरी भी हो गया डायग्राम भी हो गया सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ गई एंड दैट्स इट गाइस आई होप यू इंजॉयड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग यस जैसा भी हो जैसे आपने डायग्राम बना लिया होगा पॉज लो पूरा डायग्राम बनाओ और मुझे ज़रूर जरूर भेजना यस yes, बाकी लाइव लेक्चर्स के लिए आई होप एवरीबडी इज अवेयर कि होम स्क्रीन पर जाकर एम्बाइव लाइव लेक्चर्स हमारे होते हैं जैसे कि मैंने टाइमिंग्स आपको बता दिए हैं कि हमारे टाइमिंग्स जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर यस yes, ऐसे हमारे रेगुलर फ्राइडे को एन टी एस होते हैं हमारे मंडे ट्यूजडे नाइन्थ के सेशन होते हैं वेनसडे थर्सडे टेंथ के होते हैं प्लीज अटेंड द लाइव लेक्चर्स यस एंड दिस ऐप एम्बाइड लेंस एप ये आपको और अलग तरीके से हेल्प करेगा थ्री में आप खुद अपने फोन पर देख सकते हैं सारे डायग्राम्स जिसके वजह से आपका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा और आपको डायग्राम बनाने में और इजी होगा ठीक है दैट्स इट गाइस दिस इज द टेलीग्राम चैनल वेर यू कैन गेट कनेक्टेड विथ मी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अ टेलीग्राम चैनल वेर यू कैन शेयर योर पिक्चर्स दैट इज यू कैन सर्च इट बाई माई नेम काजल सिंह नाइन्थ एंड टेंथ वहां पर आपको sabne Subne Joy, I want everybody to share the diagram and let me know if you found it easy or no. Yes? So that's it. I hope you like the video and let's wait for tomorrow's video, which will be uploaded at 11 a.m. Till then, tada's. Bye bye. Take care everyone and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.